गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई नो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों पे ध्यान बहुत देने की ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज एंड यू वॉन्टेड टू गेट अ वेरी गुड आउटपुट फ्रॉम दैट वीडियो, सो मेक श्योर यू आर वेरी कंसिस्टेंट ऑन योर यूट्यूब चैनल। इट्स मीन कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे कितने एक्टिव है, ये आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आगे ले जाने के लिए। सो अगर आप वीडियोज डाल रहे हो एक महीने में 2 से 3 और उसके बाद गायब हो जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर 1 से 2-3 वीडियोज डालते हो, फिर वापस चले जाते हो, गायब हो जाते हो, सही आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। योर व्यूअर्स शुड नो दैट दे सब्सक्राइब द चैनल वेयर अ ह्यूमन बींग यूज टू बी एक्टिव एवरी सिंगल पॉइंट। तो इसलिए आपको वहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियोज अपलोड करनी होती है। आई यूज़ टू अपलोड एवरी सिंगल डे अ सिंगल शॉर्ट वीडियो, प्लस वीक में मैं 2 से 3 वीडियोस अपने लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि लोग मुझे जाने और ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल एक्टिव है और मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और वो मेरे वीडियोस को देखेंगे। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वीडियोस डाल रहे हो और आपका यूट्यूब चैनल एक्टिव है। सो दैट्स द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर यूट्यूब चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो जल्दी। सेकेंड थिंग इज़ वॉट द क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं कैमरा क्वालिटी मैटर नहीं करती, आप किसी भी कैमरा से शूट करो, नो दैट्स रियली रियली नॉट राइट। आपका कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपको व्यूवर्स को अच्छे और क्लियर शॉट्स दिखाने हैं तो इसलिए आपको बहुत अच्छे कैमरे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कैमरा साथ ही दे रहा है तो आप कोशिश करो कि आप लाइटिंग पे ध्यान दो। लाइटिंग इज़ द थर्ड पॉइंट जहाँ पे आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइटिंग जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, अभी मैं जिस वीडियो को शूट कर रही हूँ उसमें ये लाइट यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं ये लाइट का स्विच ऑफ करती हूँ तो आपको ये दिखेगा कि मैंने रूम की जो भी लाइट्स हैं वो ऑन है, बट मेरा क्वालिटी इज़ रियली नॉट दैट मच इनफ कि आप लोग ये बात समझ पाओ कि अरे चलो ठीक है मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वॉइस तो अच्छी क्लियर जा रही होगी बट कैमरा में लाइटनिंग की कमी की वजह से आप मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं करोगे। सो लाइटनिंग इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके यूट्यूब चैनल के लिए, आपकी व्यूज़ के लिए और आपकी वीडियो के लिए, ताकि लोग देखना पसंद करें। लोग अगर आपकी वीडियोज़ को देखने के लिए डेटा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोगों को ये चाहिए कि वो अच्छी वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट और अच्छी लाइटनिंग के साथ वीडियोज़ देखें। तो लाइटनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप अपनी वीडियोज़ पर बोल रहे हो तो आपका वॉइस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। जिस तरह से अभी आप नोटिस कर रहे होगे मेरे सराउंड में एक वीडियो आवाज़ आ रही है, सॉरी यार क्या करूँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दीज आर द टॉपिक्स जहाँ पे आपको इन सब में काम करना है। प्लस इफ़ आई विल टॉक अबाउट द कंटेंट्स, आपको कंटेंट्स कैसे डालें, मेक श्योर आपके जैसे पब्लिक हैं, आपके जैसे व्यूवर्स हैं, उनकी क्या पसंद है आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो देयर इज़ अ वन ऐप विच इज़ कॉल्ड यूट्यूब स्टूडियो वेयर यू विल गेट योर पब्लिक रिएक्शन एंड योर पब्लिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जहाँ पर आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या देखना पसंद है। उस तरीके से अगर आप वीडियोज डालेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने व्यूवर्स के लाइक्स के थ्रू आप अपनी वीडियोज़ बनाओ ताकि लोगों को पसंद आए और लोगों को लगे कि हाँ मैंने जिसे सब्सक्राइब किया है वो मुझे मेरे तरीके के वीडियोज़ शेयर करता है, सो मैं उसे इसलिए सब्सक्राइब करता हूँ और मैं उसलिए उसे देखना पसंद करता हूँ। सो मेक श्योर कि आपके व्यूवर्स आपसे क्या चाहते हैं, इस तरह से आप आराम से ईजिली टॉपिक सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको किस चीज़ों पर वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत है। प्लस ऑल्सो एट द सेम टाइम्स व्यूवर्स के साथ साथ आपको जो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उनको भी ध्यान पे रखकर आपको ये फील करना है और ये चीज़ें ढूंढनी है, ये टॉपिक्स ढूंढने हैं कि क्या चीज़ अभी वायरल चल रही है, जैसे क्या चीज़ें हैं जो आपकी नॉन सब्सक्राइबर्स वीडियोस देखना चाहते हैं और उस टॉपिक को भी आप इंक्लूड करें। उस टॉपिक के बारे में आपको वीडियोज़ बनाना पड़ेगा ताकि आपके व्यूवर्स के साथ साथ आपको नए व्यूवर्स भी मिल जाए और वो आपको सब्सक्राइब करें और आपसे जुड़ जाए। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, इसके बाद आप एक चीज़ तो बिल्कुल ध्यान पे रखिए कि अगर आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो 1 से 2 साल हो गए हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मेक श्योर आप वीडियो बनाना बंद ना करिए, बल्कि ये नोटिस करिए और ये ध्यान दीजिए कि आपने कहाँ पर गलती की है। हो सकता है आपकी क्वालिटी ख़राब है कैमरे की, हो सकता है लाइटिंग ख़राब है, हो सकता है आपके
व्यूवर्स को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इन सब में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा और आपको चैनल पे काम करते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक बार ठान लिया है जो चीज़, उसे कंप्लीट करिए। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने थ्रू बता रही हूँ कि मैंने अपना एक चैनल बंद किया था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया दोबारा और मैंने इन सब चीज़ों पर काम करके दोबारा लौटी हूँ, ताकि इसके बाद मुझे बिल्कुल भी ये ना मेरे दिमाग में रहे कि शिट यार मैं क्यों वापस आई थी और मैंने फालतू फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मेरा चैनल स्टिल काम कर रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अपने व्यूवर्स के साथ प्यार से रहिए, उन्हें अपना फ्रेंड अपना दोस्त बना कर रखिए, ना तो ऐसा कोई इंसान जिसे आप बिल्कुल एलियन समझते हो और अब बस आप अपनी वीडियो शेयर कर रहे हो, कैसे भी मूड से, कैसे ही आप मतलब गुस्से में शेयर कर रहे हो, गुस्से में मतलब कुछ भी आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हो और आपको चाहिए कि आप व्यूअर्स पे आके गुस्सा कर रहे हो कि हम सब्सक्राइब नहीं करते, हम लाइक नहीं करते, भाई उनकी भी लाइफ बिजी है, आप ही के जैसे मैं भी हो सकता है जो आपको कमेंट कर रहा है, उसकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, वो भी चाहता हो कि आप वो भी चाहता है कि वो खुश रहे आपको देखकर। तो उसे दुखी मत करिएगा, उसे प्यार से रखिएगा, दोस्त फैमिली जैसे समझिएगा, क्योंकि हम उन्हें नहीं बना रहे हैं, वो हमें बना रहे हैं, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं और वो हमें देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपको अपने YouTube फैमिली के साथ अपनी लाइफ भी क्रिएट करनी है और अपना YouTube चैनल को ग्रो करना है। ओके, सो दैट वॉज द वीडियोज़ फॉर टूडेज गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेक श्योर यू आर गोइंग टू लाइक माई वीडियो, ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू। मैं मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई लव यू ऑल एंड बाय गाइज।